Hey guys, how are you all? Hope you're doing well. I'm Dhanusha Dhakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए जो महिलाओं का ओवुलेशन होता है यानी जो महिलाओं की ओवरी से अंडा रिलीज होता है वो हर महिला का मिड साइकिल में ही होता है. अगर आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो आपका अंडा रिलीज हो जाएगा 10 से लेके 15 दिन के बीच में. और जब अंडा रिलीज होता है तो महिलाओं की बॉडी में अलग अलग तरीके के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं जो दर्शाते हैं कि अगर इस टाइम पे आप कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा है. बट ओवुलेशन के बाद का जो फेज़ होता है वो इम्प्लांटेशन का फेज होता है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन सफल होने में 7 दिन का टाइम भी लग सकता है, 14 दिन का टाइम भी लग सकता है. ये टाइम हर एक महिला के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. इसी टाइम पे डिसाइड होता है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी. अगर फर्टिलाइज एग अच्छी तरीके से यूट्रिन लाइनिंग में इम्प्लांट हो गया है तो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होगी. अगर फर्टिलाइज एग यूट्रिन लाइनिंग में इम्प्लांट नहीं हो पाया है या ठीक तरीके से नहीं चिपक पाया तो इस कंडीशन में महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना दिक्कत हो सकता है. तो ओवुलेशन के बाद कई महिलाओं के माइंड में ये आता है कि आपको हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. यूट्यूब में आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, किसी में बताते हैं हेयर वॉश करना चाहिए, किसी में बताते हैं हेयर वॉश नहीं करना चाहिए. तो मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. हेयर वॉश करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या हेयर वॉश करने से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब लॉजिक के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ. देखिए गाइस, अगर ओवुलेशन के बाद आप हेयर वॉश करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है. हर महिला की बॉडी अलग अलग तरीके की होती है. कुछ महिलाओं की बॉडी में हीट ज़्यादा लगती है, कुछ महिलाओं की बॉडी नॉर्मल रहती है, कुछ महिलाओं की बॉडी में लो हीट की प्रॉब्लम होती है. अगर आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा है या हीट आपका नॉर्मल है, आपकी बॉडी सही तरीके से चल रही है, तो हीट जब ज़्यादा होती है, नॉर्मली आपने देखा होगा जब एक्सरसाइज आप करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो बॉडी की हीट बढ़ती है. जब बॉडी की हीट बढ़ रही है तो आपका जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो रहा है. और ओवुलेशन के बाद अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है तो यूट्रिन लाइनिंग भी अच्छी तरीके से थिकन हो रही है, मोटी हो रही है, बच्चा चिपकने के लिए तैयार हो रही है. अगर यूट्रस में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है तो इस कंडीशन में इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो टोटली ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है. अगर आपकी बॉडी में हीट ऑलरेडी ज़्यादा है तो अगर आप ओवुलेशन के बाद हेयर वॉश भी करते हैं तो कुछ नहीं होता है. अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी हीट कम की प्रॉब्लम है, पांव ठंडे रहते हैं, हाथ ठंडे रहते हैं, गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या बॉडी ठंडी रहती है, ये दर्शाता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है. और इस कंडीशन में अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और ओवुलेशन के बाद अपने हेयर को वॉश करते हैं तो हेयर को वॉश करेंगे तो आपकी बॉडी में ठंड बढ़ेगी, और ठंड बढ़ रही है तो इसका मतलब है जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी धीरे धीरे हो रहा है. अगर धीरे होता है तो इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि इम्प्लांटेशन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी ही कंडीशन में मेरे को हेयर वॉश का कुछ नहीं पता था. मैं ऑफिस जाती थी, मैंने हेयर वॉश किया क्योंकि मुझे ऐसा कोई हीट का प्रॉब्लम नहीं है या हीट मेरी बॉडी में हीट कम है, मेरी बॉडी नॉर्मल थी, तो मेरा इम्प्लांटेशन भी सफल हो गया और मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आई. बट दिक्कत आ सकती है उन फीमेल को जिन फीमेल की बॉडी में लाइक हाथ पांव ठंडे होने में, हाथ पांव गर्म होने में टाइम लगता है, उन महिलाओं को दिक्कत आ सकती है. अगर वो महिलाएं हेयर वॉश की टेक्निक को फॉलो करती हैं, ओवुलेशन के बाद थोड़े टाइम तक हेयर वॉश नहीं करती हैं, तो उनको इम्प्लांटेशन सफल होने में हेल्प मिल सकती है. क्योंकि जब आप हेयर वॉश करते हैं गाइज, उसके पीछे का ये लॉजिक है कि जब आप सर पे पानी डालते हैं तो आपका सर ठंडा होता है, सर ठंडा होता है तो बॉडी भी ठंडी होती है, और बॉडी ठंडी होती है तो अगेन जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो धीरे धीरे होने लग जाता है. तो अगर धीरे हो रहा है तो इम्प्लांटेशन सफल होने में दिक्कत आ सकती है. क्योंकि नॉर्मली भी अगर आप देखते हैं जब आप बीमार होते हैं तो हेयर वॉश के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हेयर वॉश डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी बॉडी में, नोज में, तो वो आपकी बॉडी की हीट को कम करता है. और ओवुलेशन के बाद बॉडी में हीट की जरूरत ज्यादा होती है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, यूट्रस में ब्लड की सप्लाई अच्छा करती है. तो टोटली ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी किस तरीके की. अगर आपकी बॉडी आपको पता है किस तरीके की है, किस तरीके से काम कर रही है, तो उसी तरीके से आप हेयर वॉश की टिप को फॉलो कर सकते हैं या हेयर वॉश की टिप को नहीं भी फॉलो कर सकते हैं. तो यही है आज का वीडियो. होप करती हूँ अभी आपको समझ आ गया होगा हेयर वॉश टेक्निक के पीछे क्या लॉजिक है, कि आपको हेयर वॉश टेक्निक फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर करते हैं तो क्या होगा, दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है वो मैंने
आपको बड़े आसान तरीके से समझा दिया। होप करती हूँ अभी आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो आपको ओव्यूलेशन के बाद हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस तरीके से आप अपने इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।